बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कटाकट। इसमें मैं चिकन का चंक्स जो है वो यूज़ करूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मटन का और बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका चंक्स में काटा हुआ चिकन पीसीज में, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इससे बड़ी बोटी नहीं बनानी, इससे छोटी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतनी रखें। उसके अलावा मेरे पास बकरे के कटाकट हैं, जिसमें दिल, कलेजी और गुर्दे हैं। ये भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। सीजनिंग में जाएगा इसमें नमक 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून और कलवंजी 1 टीस्पून। उसके अलावा दही जाएगा एक प्याली, हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ये भी मोटी मोटी पीस ली हैं, इसको ग्राइंड नहीं करना। और ये टमाटर है, ये भी पिसे हुए हैं, ये मैंने 2 बड़े लिए थे टमाटर। उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1-1 टेबल स्पून, लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून, ये एंड पे जाएगा, और सूखी हुई मेथी ये भी एंड पे जाएगी। उसके अलावा इसमें आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 पैकेट, या अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो तो पूरी क्रीम का पैकेट भी डाल सकते हैं। मैं घर की 2 टेबलस्पून बलाई डालूंगी। और उसके अलावा ये हरी मिर्च चॉप की हुई है, ये मैं ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करूंगी। आइए शुरू करते हैं। ये मैं 2 मीडियम साइज प्याज ली है, इनको स्लाइस काट लिया है। आप चाहें तो इसमें चॉप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्लाइस में काटा है, इस तरह भी अच्छा लगता है। और ये मैं 3 सर्विंग स्पून लिए हैं घी के, इसको डाला और इसको लाइट सा गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं करना। तो फिर मैं आपको इसको गोल्डन ब्राउन करके दिखाती हूँ। देखिए प्याज कितना प्यारा सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया, लाइट सा ब्राउन हुआ है, गोल्डन हुआ है। अब मैं इसमें फ्लेम बिल्कुल स्लो करके चिकन डाल दूँगी, बिस्मिल्लाह, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और घी भी बहुत तेज़ गर्म है, इसलिए फ्लेम बिल्कुल स्लो करें और फिर ये डालें, वरना ये चिपक जाएगा साफ। अब जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं होता, वाइट नहीं होता, उतनी देर हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, वाइट हो गया है। अब मैं इसमें कटाकट डालूंगी, बिस्मिल्लाह। अब इसको भी अच्छी तरह 2 से 4 मिनट भून लूंगी, क्योंकि कलेजी है इसमें, इसका पानी भी निकलेगा। जब ये थोड़ा सा भुना जाएगा और खुशबू ज़रा सोंधी सोंधी सी आने लगेगी, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये देखिए भुना गया है, अच्छा सी खुशबू आने लग गई है। तो मैंने अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1-1 टेबल स्पून वो डाल दूंगी, और इसको ढक के दम पे रख देंगे 5 से 7 मिनट। बीच में 1 से 2 दफ़ा चम्मच चला देंगे, ताकि एक तो इसका पानी निकल आए और ये सारा फ्लेवर जो लहसुन अदरक का है वो इसमें चिकन में और कटाकट में चला जाए। फिर मैं इसको बाद में जब स्पाइसेस डालेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लहसुन अदरक अच्छी तरह मिक्स हो गया इसमें, भुना गया है। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूंगी, दही 1 प्याली, टमाटर चॉप 2 या 3, वैसे 2 बहुत हैं क्योंकि दही भी जाना है इसमें, और 3 से 4 हरी मिर्च पिसा हुआ कुटी हुई, ये मैंने पानी के बगैर ही कूट लिया था इनको। और आखिर में साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, नमक, कलवंजी, जीरा, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्च और नमक, ये सारा कुछ डालेंगे इसमें और इसको हिला के अच्छी तरह, और 1/2 कप पानी का मैं डालूंगी इसमें, और फिर इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले इसको अच्छी तरह भून लेना, ताकि वो जो दही है वो भी अच्छी तरह बीच में पक जाए। अब मैं इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी और इसको ढक के पकाऊंगी। ये मैं वही दही वाली प्याली में 1 पानी की डाल दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह हिलाऊंगी और इसको दम से थोड़ी सी तेज आंच जो होती है उस पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये बीच में एक चिकन का पीस वैसे ही रह गया, ये इंशाल्लाह गलेगा तो ये भी टूट जाएगा। ये के तैयार हो गया है। अब हम इसमें एंड पे लेमन जूस डालेंगे, सूखी मेथी डालेंगे जो कसूरी मेथी होती है वो वाली, और इसके साथ ये हरी मिर्च भी कुटी हुई, और साथ में ये 2 टेबलस्पून मलाई के,
या क्रीम आप डाल सकते हैं टेट्रा पैक जो है। मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, आपकी मर्जी है, आपको कम लगे तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। अब ये तैयार हो गया, मैं 5 मिनट इसको दम पे रखूंगी, फिर हम इसको इसी तरह डिश आउट करेंगे। देखिए इसको घी निकला है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ग्रेवी भी देखें बहुत अच्छी है, मज़ेदार, देख के ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको दही के रायते के साथ, इस कटाकट को घर की चपाती के साथ खाएं, चाहे रोगनी नान के साथ, इसको रोगनी नान के साथ खाएं, बहुत इंजॉय करेंगे आप। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।